सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस की अभद्रता थमने का नाम नहीं ले रही। मामला भदोही कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक छात्र को थाने से रिसीविंग मांगना महंगा पड़ गया। दरअसल पिपरिस गांव के रहने वाले ओम प्रकाश यादव अपने जमीनी विवाद की शिकायत करने थाने पहुंचे और थाने के हेड मुहर्रिर को शिकायत पत्र देने के बाद उससे रिसीविंग मांगी, जिस पर हेड मुहर्रिर ने रिसीविंग देने की जगह छात्र को जमीन पर पटक दिया। इस पूरे घटना का वीडियो छात्र के भाई ने बनाकर ट्विटर पर अपलोड कर दिया और न्याय की गुहार लगाई। अवगत करा देना चाहता हूं कि उस दिन मैं प्रार्थना पत्र एक आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें ये लिखा गया था कि वो अवैध निर्माण जो हमारी भूमि पर भूमिधरी जमीन पर की जा रही है उसको रोकने के संबंध में था, तो वो मैं प्रार्थना वो उनका जो आदेश था मैं वहाँ लेके गया और लेके जाने के बाद मैंने उसको जमा किया। उनको जमा करने के बाद मैंने उनसे सिर्फ यही इतना शब्द कहा कि सर इसकी एक हमें प्रति हमारे पास प्रति पड़ी हुई है, इस पर आप इसको रिसीव कर लीजिए, रिसीव करके वो प्रति हमको दे दीजिए ताकि हमको कल को हम आएँ तो फिर हमको ये बुलाया ना जा सके कि ये आपने कोई प्रति या फिर आवेदन नहीं जमा किया था। बस यही मामला था, उसी पे तब तक वो दीवान साहब हमारे ऊपर टूट पड़े, बस मामला यही था। वहीं पीड़ित छात्र का कहना है कि घटना के बाद उनके पिता को भी थाने में बैठाया गया, साथ ही घटना के बाद पीड़ित छात्रा को थाने के हवालात में बैठाया गया। भाई साहब खड़े थे, उन्होंने ये वीडियो बनाया। आपके पापा को क्यों उन्होंने अरेस्ट किया? जी पापा को मतलब उस समय तो तीनों लोगों को वहाँ बैठा लिया गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर दो तीन घंटे के बाद छोड़ा गया, फिर उसके बाद आज पिताजी को वहाँ रखा गया है। वो भूमि संबंधी निर्माण संबंधी UP 100 गई थी जो वहाँ ले आके उनका चालान किया। मतलब थाने में आप अपनी फरियाद लेके गए? कुल मिलाकर जी हाँ, कुल मिलाकर मैं अपने थाने में अपनी फरियाद के संबंध में ही गया, लेकिन दरोगा साहब से मुलाकात हमारी नहीं हो पाई उस वक्त। फिर मैं सोचा कि इनसे मैं एक रिसीविंग ले लेता हूँ ताकि मैं हमारी जो प्रार्थना पत्र है जी वो उनके तक पहुँच जाए, ताकि वो हमको कह ना सकें कि नहीं तुमने अपना वो नहीं दिया। उस वीडियो में जहाँ वीडियो खत्म हो रहा है उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? जी उसके बाद हमारे साथ उसको अंदर ले जाके हमें हवालात में बैठाया गया 2 से 3 घंटे तक के लिए। जी हाँ, मारा पीटा भी गया? जी नहीं, मारा पीटा बहुत ज्यादा नहीं गया, लेकिन थोड़ा अभद्रता की गई। वही घटना का वीडियो सामने आने के बाद SP ने CO से मामले की जांच कराई और हेड मुहर्रिर को पूरे मामले के लिए दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें जांच करने से ज्ञात हुआ कि ओम प्रकाश यादव पिपरिस के रहने वाले हैं, कुछ अपनी समस्या लेकर आए थे थाने पर और थाने के HM हेड मुहर्रिर अखिलेश सिंह ने कुछ उनसे अभद्रता की और अनुशासनहीनता की, जिस पर जब क्षेत्राधिकारी भदोही से जांच कराई गई तो जांच में वो दोषी पाए गए हैं। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई उनके लिए की जा रही है और बाकी जांच क्षेत्राधिकारी भदोही करेंगे। पीड़ित छात्र ओम प्रकाश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र है और वो थाने में शिकायत पत्र देने के बाद उसकी रिसीविंग मांग रहा था, लेकिन हेड मुहर्रिर अखिलेश सिंह को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस घटना के बाद पुलिस का रवैया एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट।